गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज डॉक्टर वकुलदेव एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट लेग स्क्रैच नीट यूजी अनअकैडमी का ये जो चैनल है जिस पर हम सब लोग आपके लिए डेली क्लासेस ले रहे हैं। और ये जो बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया था दैट इज मिशन 2022 विच इंक्लूड्स बोर्ड 2021, दोनों को कंबाइंडली हम लोग टैकल कर रहे हैं। पहले आपका बोर्ड का सिलेबस पूरा कर रहे हैं, जैसे ही आपका बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हम नीट की तरफ मूव करेंगे, नीट 2022 की तरफ मूव करेंगे। यानी पहला हमारा जो उद्देश्य है, पहला जो हमारा पर्पस है वो ये है कि आपका बोर्ड एग्जाम कमेंस होने से पहले आपका 12th का पूरा सिलेबस हम लोग कम्प्लीट करवा दें। और ये आप लोगों की टीम है, मैं आपको जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ, अंकित सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, शिवानी मैम बॉटनी पढ़ा रही है, रोहित सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और अर्चना मैडम आपको बॉटनी पढ़ा रही है। सो दिस इज द अमेजिंग टीम, हम सब मिलकर के आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। लास्ट मंथ हमने ये बैच स्टार्ट किया था दैट इज मिशन 2022। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस बैच। और मेरे बारे में आपको बता दूं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए, माई सेल्फ डॉक्टर बकुलदेव, मैं जयपुर से हूं और मैं पिछले 16 सालों से मेडिकल एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी, और हजारों बच्चों को मैंने पढ़ाया है, हजारों बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। 6 अलग अलग मौकों पर मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो नेशनल लेवल पर फर्स्ट रैंक भी लेकर के आए। नाउ आई एम शेयरिंग ऑल माई एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू फ्यूचर डॉक्टर्स जो आप डॉक्टर बनने वाले हैं। और हम सब की कलेक्टिवली ये कोशिश है कि आपका सिलेबस हम ऑन टाइम कंप्लीट करें और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन नीट की हो पाए, क्योंकि जो वक्त अभी चल रहा है, जिस तरीके से कोरोना स्प्रेड हो रहा है चारों तरफ, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो यही है कि हम हमारे घर पर रहते हुए बेस्ट अवेलेबल जो हमारे पास मेथड्स हैं उनसे हम नीट का प्रिपरेशन करें, बोर्ड का प्रिपरेशन करें। तो बच्चों जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए सेशन में, हम लोग बस इसको स्टार्ट करने ही वाले हैं। सेशन को लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं और उससे पहले आपको मेरी तरफ से ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप प्लस कोर्स को जरूर 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 ज्वाइन करें, क्योंकि इस वक्त प्लस ज्वाइन करने के लिए जो आपको ऑफर दिया जा रहा है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स काइंड। अभी जो ऑफर आपको दिया जा रहा है दैट इज 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन। आप एक साल का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं यू विल गेट एडिशनल 3 मंथ सब्सक्रिप्शन, और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं देन यू आर गेटिंग 4 मंथ एडिशनल सब्सक्रिप्शन। इफेक्टिव फी जो है आपका दैट इज फॉर 1 ईयर, एक साल का अगर आप लेते हैं तो 38,500 आपका टोटल फी है। इसमें भी जैसे ही आपने ये कोड इस्तेमाल किया BDEB BDEV You will get additional 10% scholarship plus आप मेरी सीधी mentorship में आ जाएंगे, आप मुझसे सीधे संपर्क कर पाएंगे, आपकी जो भी queries होंगी नीट को लेकर के, biology को लेकर के या बाकी subjects को लेकर के या personal आपको किसी counseling की जरूरत पड़ेगी, I will be available for all of you, ठीक है? तो I would strongly recommend कि plus के course को join करो, plus subscribe करो and while subscribing use this code BDEV essential, ठीक है? ये कुछ कोर्सेज हमारे अभी चल रहे हैं, जैसे एंथ्यूज बैच अभी स्टार्ट हुआ है, नर्चर बैच अभी स्टार्ट हुआ है, एक साल या 2 साल के कोर्सेज हमारे स्टार्ट हुए हैं। एक कोर्स हम सब लोग भी लेकर के आ रहे हैं, मिशन 2022 की जो टीम है वो भी आपके लिए पूरा साल भर का कोर्स लेके आ रही है। 19th से ये बैच आपका अनअकैडमी प्लस के लर्निंग एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें भी आप सारे के सारे आए। अच्छा, संडे टू संडे हमारा कॉम्बैट का एग्जाम होता है, आप जानते होंगे। इस एग्जाम में अगर आपने अच्छा स्कोर किया, टॉप 3 में अगर आप आ गए, यू विल बी गेटिंग 100% स्कॉलरशिप, यानी आपको पूरे साल भर का पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, आपको पूरा स्कॉलरशिप यहीं से मिल जाएगा एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस अनअकैडमी प्लस। तो कॉम्बैट में भी अपियर होइए, कॉम्बैट में अपियर होने के लिए भी जो कोड आपको इस्तेमाल करना है दैट इज BDEV। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो मुझे आपको देनी है वो ये कि 9th मई को, यानी कि आज कितनी तारीख है बच्चों, 7th, यानी कि परसों, आपके लिए एक अनअकैडमी चैंप टेस्ट, स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसमें भी आप अपना एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं, और इसमें जैसे ही आप एनरोलमेंट करेंगे, अपना एग्जाम देंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि 4 पैनल अनअकैडमी ने डेवलप किए हैं पर्सनल मेंटोरशिप के। दिस इज 4th पैनल, 1st पैनल, 2nd पैनल, 3rd पैनल, 4 अलग अलग पैनल हैं,
और इन चारों पैनल पर जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ऑल ओवर इंडिया के, वो सारे के सारे अवेलेबल हैं, जो आपकी पर्सनल काउंसलिंग करेंगे। जो भी अनअकैडमी चैंप्स में बच्चे आएंगे टॉप रैंक्स में, उनको स्कॉलरशिप मिलनी है, उनको सब्सक्रिप्शन के ऑफर्स मिलने हैं कि कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा या फ्री में भी मिल सकता है। और ये बहुत 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 ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए होने वाला है। करंट पोजीशन तो आपको पता चलेगी ही, लेकिन अगर फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो वो भी अपनी जगह पर। सो आई वुड रिकमेंड अगेन एनरोल। हाँ स्वास्तिक, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। कितने बच्चों ने एनरोल कर लिया भाई, बताओ जरा, इसके लिए अनअकैडमी चैंप के लिए कितने बच्चों ने एनरोल कर लिया? और कॉम्बैट के लिए तो एनरोल करना ही आप सब लोगों को, उसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। तो अब हम हमारा आज का सेगमेंट स्टार्ट करें, उससे पहले एक जानकारी और देता चलूं। I just have started decoding NEET series, जिसमें मैं decoding NCERT series, जिसके अंदर NCERT line by line में discuss कर रहा हूँ via special class। अभी मैंने उसका वक्त रखा है दोपहर 2 बजे का। तो daily, रोजाना 2 बजे हमारी एक class होती है, जिसमें हम NCERT की एक एक line, एक एक diagram को properly discuss कर रहे हैं। जहाँ elaboration की requirement होती है, वहाँ elaboration भी कर रहे हैं। पर्पज हमारा ये है कि NCERT का एक एक लाइन आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाए, उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई एम्बिग्यूटी आप लोगों की न बचे, है ना। तो इस स्पेशल क्लास में भी आइए, डेली 2 PM दोपहर 2 बजे का वक्त है, जब आपके मॉर्निंग सेशंस कंप्लीट हो जाते हैं। लंच कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, एंड देन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर सेशन। इसमें हम पूरा का पूरा सेगमेंट आप लोगों का NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करें, ठीक है। तो पायल कह रही है सर आप 12th क्लास का कब कराओगे? 12th ही तो पढ़ रहे हैं बेटा इस बैच में, ये जो हमारा मिशन 2022 बैच है, इसमें हम 12th ही तो पढ़ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी कौन से उसमें आता है? 12th का ही तो सिलेबस है आपका बायोटेक्नोलॉजी, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको क्लोनिंग के बारे में कुछ चीजें बताई थी कि एग्जैक्टली क्लोनिंग किस तरीके से की जाती है। क्लोनिंग के बारे में 5 मिनट का रिकैप दे देता हूं और फिर उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं, है ना। सेशन को लाइक कर दो बच्चों और सेशन को शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। वालेकुम अस्सलाम। सदफ कह रही है मुझे ये चैप्टर समझ ही नहीं आ रहा है। आप एक बार सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स देखिए बेटा, फिर भी आपको अगर कोई इश्यू है तो आपके पास टेलीग्राम चैनल तो आप सब लोगों को पता है ही, उसको ज्वाइन कर ही रखा होगा। उस पर अपनी क्वेरीज आप पोस्ट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ यू। उस पर नहीं कर पाते हैं तो इस पे कमेंट सेक्शन में कीजिए, आई विल रेस्पॉन्ड ऑल योर क्वेरीज। छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा सा इसमें फंडामेंटल्स क्लियर करना जरूरी है, थोड़ा सा जो बेसिक्स है उनको क्लियर करना बेहद जरूरी है, तो उनकी तरफ जरा ध्यान दीजिए। क्लोनिंग मैं 5 मिनट में एक बार इसका रिकैप दे देता हूं और फिर उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, है ना। जूही, कल का नोटिफिकेशन नहीं आया 6 बजे का, कोई बात नहीं। आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा है क्या? आप सब लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिए ना, आपको मैंने ग्रुप बता रखा है भाई, उसके सारे के सारे लिंक्स शेयर होते हैं। मैं यहां फिर से लिखे देता हूं आप सबके लिए, डू ज्वाइन दिस ग्रुप p.me/NEET+placebo। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप पर क्लास खत्म होते ही आपको नोट्स मिल जाते हैं, नोट्स आपको रोजाना मिल जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स, आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाते हैं। यहां पर हम आपको WPPS भी प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर क्विजेस के भी आपको सारे के सारे लिंक्स मिलेंगे, सेशंस के सारे लिंक मिलेंगे, लर्निंग एंड एप्लीकेशन पर जो स्पेशल क्लासेस होती हैं उनके लिंक भी सारे के सारे इस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किए जाते हैं। तो सारे के सारे बच्चे इसको तो ज्वाइन कर ही दो, है ना, एसेंशियली ज्वाइन कर। चलो क्लोनिंग पर आ जाते हैं। क्लोनिंग का सीधा सा मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोनिंग? प्रोसीजर टू डिराइव अ जेनेटिकली सिमिलर पॉपुलेशन। अब ये जेनेटिकली सिमिलर पॉपुलेशन जीन्स का भी हो सकता है, सेल्स का भी हो सकता है और ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली हम इनको नाम देते हैं जीन क्लोनिंग, सेल क्लोनिंग, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जीन क्लोनिंग तो आपको बता ही चुका हूं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। याद कीजिए हमने एक टेक्निक पढ़ा था बच्चों, जिसका नाम था PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इट इज नथिंग बट जीन क्लोनिंग, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन, एक जीन के मिलियंस ऑफ कॉपीज अगर बनाए। सेल क्लोनिंग आप इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं, जहां मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या क्लोनल सिलेक्शन का प्रोसेस चलता है।
एक ही तरीके के हजारों लाखों लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में बनते हैं, या जो लोअर एनिमल्स हैं उन लोअर एनिमल्स में जो बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है प्रोटोजोन्स में, वहां पर भी क्लोन्स ही बनते हैं। क्लोन या रेमेट, ये दो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं जेनेटिकली सिमिलर पॉपुलेशन के लिए, जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स के लिए। ठीक है, चलो अब मैंने आपको ये बताया था कि प्लांट्स में तो क्लोनिंग चलता ही रहता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसको हम कहते हैं, कलम लगाया हमने, है ना, गुलाब का पौधा या आम है, ये सब चीजें डेवलप होती हैं और ये सैकड़ों सालों से हम लोग इसको कर ही रहे। जहां तक एनिमल क्लोनिंग की बात है तो जो लोअर ग्रुप्स हैं उनमें तो रीजेनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां तो क्लोन बनते ही रहते हैं। जैसे हाइड्रा है तो हाइड्रा को आप दो टुकड़ों में काट दीजिए, दो हाइड्रा बन जाएंगे। स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्ज को आप टुकड़ों में काट दीजिए, वो नए स्पॉन्जेस बन जाएंगे। ये सारे के सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। ठीक है, अब हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ अगर हम मूव करें तो कल मैंने आपको बताया था कि गॉर्डन करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1962 में पहली बार एक टोड का क्लोन डेवलप किया, यानी एक एम्फीबियन का क्लोन डेवलप किया। लेकिन जो पहला पाथ ब्रेकिंग काम था इसमें वो क्या था, मैमल्स की जो क्लोनिंग की गई वो विल्मॉट करके एक साइंटिस्ट थे और साथ में कैंपेल, जिन्होंने सबसे पहली बार शीप का क्लोन डेवलप किया एंड द क्लोन वॉज गिवन द नेम डॉली। ठीक है, ये पहला सक्सेसफुल क्लोन डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था। अब इस क्लोनिंग के प्रोसीजर का जो एक सिंपल सा टेक्निक था, एक सिंपल सा फ्लोचार्ट था, वो मैंने आप लोगों को कल डिस्कस किया था, आज एक बार उसको वापस से समझाई देता, फिर उसके बाद इसके आगे की तरफ मूव करें। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, हम शीप ही ले लेते हैं। चलिए अब इसको ध्यान से समझ लेना बेटा, क्लोनिंग किस तरीके से होती है। अब इससे हमें दो तरीके के सेल आइसोलेट करने हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैव अ लुक। सबसे पहले हमने इसका सोमेटिक सेल लिया, और जो सोमेटिक सेल हम पिक करते हैं एक्सपेरिमेंट में, जो सोमेटिक सेल पिक किया गया था दैट वाज अडर सेल। अडर का मतलब हो गया जो एब्डोमिनल रीजन है जहां पर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उस हिस्से को हम कहते हैं अडर सेल। तो ये हमने सोमेटिक सेल ले लिया, ध्यान से देखिएगा, ये सोमेटिक सेल है और ये सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। और सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस है तो डेफिनेटली डिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा, आप सब जानते हैं। ठीक है, इट इज टू एंड और डिप्लॉइड न्यूक्लियस। इसी के साथ हमने साइमल्टेनियसली इसी शीप का एग लिया। ठीक है, इसी का एग लिया हमने, और ये जो एग हमने लिया, ये एग है, ये एग का न्यूक्लियस है। देखिए ध्यान से, एग का न्यूक्लियस कैसा होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। अब हमारे पास एक ही ऑर्गेनिज्म की दो सेल आ गई, शीप जो है फीमेल जो है उसका एक तो सोमेटिक सेल लिया और एक उसका एग लिया। दूसरे स्टेप पर हमें क्या करना है, इन दोनों को हम इन्यूक्लिएट करेंगे, यानी इनके न्यूक्लियस को बाहर निकाल लें। है बोलो, इधर भी यही करेंगे, न्यूक्लियस बाहर निकाल लेंगे तो इस तरफ ये एग सेल आ गया और ये इसका न्यूक्लियस आ गया, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और इस तरफ आपका ये न्यूक्लियस आ गया, सॉरी ये न्यूक्लियस आ गया और ये एग सेल आ गया। जस्ट अ मिनट, ये आपका सोमेटिक सेल आ गया और ये इसका न्यूक्लियस आ गया। अब ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें आइसोलेट कर ली है हमने, जस्ट हैव अ लुक। सारे बच्चे ध्यान से देखो, एग सेल, दिस इज एग सेल, इसका न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया, एंड दिस इज न्यूक्लियस ऑफ सोमेटिक सेल। अब ये न्यूक्लियस डिप्लॉइड है और ये केवल सेल बचा है हमारे पास। अब हमने क्या किया, इन दोनों को फ्यूज कर दिया। जब इन दोनों को फ्यूज कर दिया तो हमारे पास जो सेल निकल के आया वो सेल कैसा है, सेल तो एग वाला आ गया हमारे पास और इसमें न्यूक्लियस आ गया बेटा ये वाला। ठीक है,
ये जो स्ट्रक्चर यहां बनके हमारे पास तैयार हो गया, ये स्ट्रक्चर कहलाया हमारा जाइगोट। अब इस जाइगोट में हम लोग क्लीवेज का प्रोसेस इंड्यूस कर देंगे और क्लीवेज का प्रोसेस इंड्यूस करने के बाद क्या होगा, ये एम्ब्रियो बन जाएगा साहब। यहां ये एम्ब्रियो बन गया, इस एम्ब्रियो को सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरोगेट मदर का मतलब हो गया जिसकी बॉडी में एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट पूरा होगा। तो अब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट पूरा हुआ और फिर उसके बाद में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ, दिस ऑफस्प्रिंग विल बी एग्जैक्टली क्लोन। क्लोन किसका है, ये इस वाले शीप का क्लोन है क्योंकि इसके सोमेटिक सेल से ये बना है। आ रही है बात समझ में? इस शीप के सोमेटिक सेल का जो न्यूक्लियस था उसी न्यूक्लियस से ये सारा का सारा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ। सो दैट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन विच वॉज डेवलप्ड। बोलो बात समझ में आई सारे बच्चों को अच्छे से? एक बार इस फ्लो चार्ट को देख लो और मुझे बताओ कि क्लोनिंग का प्रोसीजर, क्लोनिंग का मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, शाबाश। नोट्स आज मिल जाएंगे इमराना खान, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको नोट्स नहीं मिलेंगे? नोट्स तो सारे बच्चों को मिल रहे हैं। बोलो मिल रहे हैं कि नहीं? सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करो, क्या आपने t.me/neetplaceable ज्वाइन किया है? अगर ज्वाइन किया है तो उस पर पुराने नोट्स भी मिलेंगे और अभी क्लास के बाद ये नोट्स पोस्ट करूंगा ये भी मिलेंगे आपको, डेफिनेटली मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे। बाकी सारे बच्चों को भी तो मिल रहे हैं नोट्स, देखो सारे के सारे बच्चों को नोट्स मिल रहे हैं। एवरीवन इज रिसीविंग नोट्स, तो आप लोग आप भी रिसीव करेंगे। सो दैट इज हाउ अ क्लोन इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर? अब आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्लोनिंग, क्लोनिंग के एडवांटेजेस क्या है? इट अलाउज रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सम डिजायरेबल इंडिविजुअल्स विदाउट हैविंग टू वेट फॉर ब्रीडिंग साइकिल्स and this is being regularly done in plants like orchids, roses, but need more research in animals. Cloning का सबसे पहला फायदा तो ये है कि बिना breeding cycle के आए rapidly organism multiply कर सकते हैं, rapid multiplication of some desirable individuals. आपको जिन particular individuals की का number increase करना है आप उनको इस method से multiply कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर देयर नेचुरल ब्रीडिंग साइकिल। और प्लांट्स में तो ये बिल्कुल कॉमन है ही, प्लांट्स में तो ये बिल्कुल कॉमन है ही, एनिमल में अभी स्टिल इट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च। इट कुड बी यूजफुल फॉर स्टडींग ह्यूमन डेवलपमेंट एंड जेनेटिकली मॉडिफाइंग एम्ब्रियोस। ह्यूमन के डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए भी क्लोनिंग का जो मैकेनिज्म है वो काफी इंपॉर्टेंट। Clones of offspring may be used for organ transplants. आप अच्छी तरह से जानते हैं कि organ transplantation के cases unsuccessful हो जाते हैं और unsuccessful होने का reason क्या है बेटा? Unsuccessful होने का reason ये है कि cloning के दौरान organ transplantation के दौरान donor का organ और recipient की body का आपस में matching नहीं हो पाता। एक complex होता है जिसे हम कहते हैं MHC, major histocompatibility complex, जो कि डोनर और रेसिपिएंट के बीच कंपैटिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो तब तक नहीं होगा जब तक आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होंगे। अगर हमने क्लोन्स बना रखे हैं तो किसी क्लोन से अगर हम ऑर्गन लेंगे और उसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनके एमएचसी तो 100% मैच करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो तो एक ही जीनोम से बने हुए ऑर्गेनिज्म। तो ये भी एक यूटिलिटी इसकी हो सकती है। इनफर्टाइल कपल्स जो हैं उनके लिए भी ऑप्शन है कि वो इस मेथडोलॉजी से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लें, ठीक है। तो ये सारे के सारे यूजेस हैं। हाँ कर देंगे बेटा इमरान, चिंता ना करो। हेल्दी एंड हाई यील्डिंग एनिमल्स कैन बी क्लोन फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग एज इट वाज डन बाय डॉक्टर जिंग जोंग यांग
at the University of Cuninard who cloned four healthy calves from the skin cell of an aging Japanese breeding bull. ये भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था. ब्रीडिंग बुल का मतलब क्या होता है? ऐसा मेल एनिमल जिसको हम सेलेक्ट करते हैं फीमेल को फर्टिलाइज करने के लिए. ठीक है, ये जो ब्रीडिंग बुल हम सेलेक्ट करते हैं इसका जीनोटाइप जो होता है या जीन पूल जो होता है वो सुपीरियर क्वालिटी का होता है. ठीक है, अब नेचुरली ये ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ साइकिल में बहुत कम फीमेल को फर्टिलाइज कर सकता है या एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस कर सकता है. तो इन्होंने क्या किया, उसके स्किन सेल का इस्तेमाल करके और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लिए जिससे कि वो जीनोम प्रिजर्व्ड रह गया और फिर बहुत लंबे वक्त तक उनका यूज जो है वो ब्रीडिंग पर्पस के लिए किया. ठीक है ना रघुवंशी, मैं जयपुर से हूं बेटा, आई एम फ्रॉम जयपुर. देखो बच्चों, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है जल्दी से सेशन को लाइक करो और शेयर करो. आगे मूव करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल. अगला छोटा सा टॉपिक आता है हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल. ट्रांसजेनिक प्लांट तो तुम सबने पढ़ ही रखे हैं, ऐसा प्लांट जिसमें कोई फॉरेन जीन अवेलेबल हो, कोई भी ऐसा जीन जो उसके खुद के जीनोम से बिलोंग नहीं करता वो जीन अवेलेबल हो उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट. जैसे हमने ब्रेसिका नेपस बनाया तो उसमें हिरुडीन वाला जीन डाल दिया था, ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया. टोमेटो की फ्लेयर सेल वेराइटी बनाई उसमें एक फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया था, ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया. बीटी कॉटन बनाया, ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया. पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट एरेबिडोप्सिस एक मॉडल प्लांट डेवलप किया, ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया. तो चाहे तो हम ट्रांसजेनिक प्लांट बोल दें चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बोल दें, दे आर वन एंड द सेम थिंग. इसी तरीके से अगर हम एनिमल्स प्रोड्यूस करने लगे तो उनको हम कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स. सीधी सी बात क्या है, ए ट्रांसजेनिक एनिमल इज वन हूज जीनोम हैज बीन चेंज्ड टू कैरी जीन्स फ्रॉम अदर स्पीसीज. किसी दूसरी स्पीसीज के जीन को कैरी करने वाले एनिमल्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहलाएंगे. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, क्यों माइक में क्या दिक्कत है बेटा, माइक से क्या आवाज नहीं आ रही क्या सुजाता? मेरे ख्याल से तो यहां से वॉइस का आउटपुट प्रॉपर चल रहा है जो मैं इस पर मॉनिटर पे देख पा रहा हूं. द आउटपुट ऑफ वॉइस इज कंप्लीटली ओके. अगर आपको आवाज सुनने में कोई इश्यू आ रहा है यू जस्ट रिफ्रेश द पेज, एक बार अपने पेज को रिफ्रेश कीजिए एंड यू विल रिसीव द प्रॉपर इनपुट. चलो अब आगे आओ. द मेजोरिटी ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस्ड सो फार आर माइस. द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक एनिमल वॉज अ माउस. A few years later, it was followed in rabbit, pig, sheep and cattle. पहला जो सक्सेसफुल एनिमल प्रोड्यूस किया गया था ट्रांसजेनिक वो चूहा था जिसमें एक फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया गया था. उसको सक्सेसफुली प्रोड्यूस करने के बाद विक्रांत बेटा इसमें पहले 12th पूरा करेंगे और 12th पूरा करने के बाद 11th का सेगमेंट स्टार्ट करेंगे. सो यू हैव टू वेट. पहले मैं बोल्ड कंप्लीट कर रहा हूं. So there are three basic methods of producing transgenic animal. Transgenic animal कैसे बनाए जा सकते हैं? या तो आप DNA micro injection कर दें, या retrovirus से gene transfer कर दें, या embryonic stem cell से gene transfer कर दें. ये सारी techniques तो आप recombinant DNA technology में पढ़ ही चुके हैं कि exactly gene को introduce कैसे किया जाएगा, है ना? That you already know. अब आगे चलो. How do transgenic animals contribute to human welfare? Agricultural applications, breeding, quality or disease resistance. भाई transgenic plant क्यों बनाए थे? अगर मैं आपसे कहूं why we produced BT cotton? क्योंकि BT cotton में disease resistance था cotton bollworm के against. Why we produced a model plant Arabidopsis? Because it was resistant against root knot nematodes. इसी तरीके से हम ऐसे एनिमल्स डेवलप कर सकते हैं जो किसी पिक्यूलियर डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो नेचुरली. इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उनका कमर्शियल वैल्यू भी इंक्रीज होगा. जो सब्सटेंस वो बना रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई ऑर्गन कोई एनिमल जो है वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है या किसी को हम मीट प्रोडक्शन के लिए काम में लेते हैं तो उस मिल्क की या मीट की या वुल की या एग की हम क्वालिटी भी इंप्रूव कर सकते हैं. और तीसरा पर्पज ये हो सकता है कि हम ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं एनिमल को, इस वजह से हम ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये सिंपल सिंपल बातें हैं सामान्य ज्ञान की.
कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन एक बार पढ़ लेना जरूरी। मेडिकल एप्लीकेशंस, एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन के बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मेडिकल एप्लीकेशंस क्या है? जीनो ट्रांसप्लांटेशन, ये बड़ा स्पेसिफिक टर्म है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है? किसी एक स्पीसीज से कोई ऑर्गन या स्ट्रक्चर किसी दूसरी स्पीसीज में ट्रांसप्लांट करना। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एन ऑर्गन और स्ट्रक्चर फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। अब वैसे तो एक ही स्पीसीज को दो इंडिविजुअल्स के बीच में भी ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ एमएचसी, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनका एमएचसी मैच करता हो ह्यूमन के एमएचसी से, जिससे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आसानी से किया जा सके। फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट अगर हमें स्टडी करना है किसी का, ह्यूमन का करना है, तो आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर वो सारा का सारा स्टडी कर सकते हैं एंड देन आफ्टर यू कैन ऑब्जर्व द रिजल्ट्स। किसी डिजीज का स्टडी करना है कि कोई पैथोजन बॉडी में एंटर कैसे करता है, प्रोलिफरेट कैसे करता है, मल्टीप्लाई कैसे करता है, बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कैसे करता है, यू कैन यूज ट्रांसजेनिक एनिमल्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए ह्यूमन। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं, वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमूमन जो वैक्सीन हम बनाते हैं उनको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए तो बाद में इस्तेमाल किया जाता है, पहले उनका इस्तेमाल एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पर किया जाता है, जैसे गिनी पिग्स हैं, जैसे रैबिट्स हैं, जैसे रैट है ना, जिससे कि हमें पता चले कि साइड इफेक्ट इसके कुछ आ रहे हैं या नहीं। और किसी केमिकल की सेफ्टी चेक करनी है, किसी एंटीबायोटिक का, किसी हॉर्मोन का, देन ऑल्सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी एक्सटेंसिवली यूज्ड। सिंपल सिंपल बातें। अब यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताने वाला हूं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये लगभग वैसा ही एक्सपेरिमेंट है जैसा हमने एक पौधे का इस्तेमाल करके हिरुडीन बना लिया था, जो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है, ब्रेसिका नेपस याद करो। अब यहां हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव डन हियर, 2001 में दो साइंटिस्ट थे, नेक्सिया बायोटेक्नोलॉजी कनाडा में जो काम करते थे, उन्होंने क्या किया, स्पाइडर जीन को सेपरेट कर लिया और इस स्पाइडर जीन को लैक्टेटिंग गोट में इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ में आ रही है कि नहीं बात? यानी अब एक गोट में, एक बकरी की बॉडी में स्पाइडर का जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है। समझिएगा, देखा यह गया कि वो जो जीन था वो सिल्क प्रोड्यूस करने वाला जीन था, जैसे मकड़ी का जाला जिससे बनता है ना, तो वो जो प्रोडक्ट बन रहा था, वो जो थ्रेड्स थे, वो थ्रेड्स अब ये गोट सिंथेसाइज करने लगा क्योंकि इसकी बॉडी में ये वाला जीन आ गया है। और इन साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व क्या किया कि ये जो गोट्स मिल्क सीक्रेट कर रही हैं, ये जो दूध इनका हम कलेक्ट करते हैं मेमरी ग्लैंड से, मिल्क के साथ साथ में टाइनी सिल्क थ्रेड्स और स्ट्रैंड्स भी सीक्रेट होने लगे और फिर उनको आसानी से कलेक्ट कर लिया जाता By extracting polymer strands from the milk and weaving them into thread, उनका फिर हमने thread बना लिया, धागा बना लिया। उस धागे के कई इस्तेमाल हैं, light, tough, flexible material that could be used such as military uniforms, medical micro sutures, tennis racket strings, ये commercial uses हैं। तो ये एक interesting experiment animal में भी किया गया था, plant में तो किए ही गए कि किसी ब्रेसिका नेपस पौधे से हमने हिरुडीन बनाना शुरू कर दिया। मिलता जुलता ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एनिमल्स में भी किया गया जिसमें कि स्पाइडर का जीन एक गोट में इंट्रोड्यूस करके और सिल्क स्ट्रैंड्स या सिल्क थ्रेड्स हमने सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर, ठीक है। तो ये इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, करेक्ट? ये समझ में आ गया मामला सारा का सारा? यहां तक बताओ पहले, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हैं या नहीं? रिस्पॉन्ड फास्ट, सेशन को लाइक करो, शेयर करो। जल्दी से देखो, जो कंसेप्चुअल चीजें थी ना वो तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं सारी की सारी। अब ये लास्ट का जो सेगमेंट है ना, इसमें ये सब छोटी छोटी नॉर्मल बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये सारी की सारी बातें पूछी जाती हैं एग्जाम में, अक्सर पूछी जाती है, तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए सबको। शाबाश,
जिन जिन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, डन डन डन। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, बायो वेपन। बायो वेपन एक्चुअली एक बहुत ही डेंजरस तरीके का वेपन है। वो डेंजरस इसलिए बायो वेपन, उसका रीजन क्या है? एक तो इसमें बहुत ज्यादा लॉजिस्टिक्स की जरूरत नहीं है, दूसरा यह है कि यह दिखाई नहीं देता, तीसरा यह है कि बहुत कम टाइम में आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकते हो, चौथा यह है कि यह कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर केवल हमें वेपन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है तो अलग अलग मौकों पर दुनिया में अलग अलग जगह बायो वेपन लोगों ने डेवलप करने की कोशिश की है। उसका फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध होता है, इंटरनेशनल लेवल पर उसको अपोज किया जाता है। और इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मैं आपको बताऊं, आप लोग तो अभी चूंकि 11th या 12th में पढ़ रहे हैं और आप लोगों को ये चीजें पता नहीं होगी, लेकिन कुछ डिकेड्स पहले अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, जब सद्दाम हुसैन इराक के तानाशाह या प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और उन पर आरोप ये था कि भाई ये इराक में कुछ अपनी गुप्त जगहों पर, कुछ ठिकानों पर बायोलॉजिकल वेपन्स क्रिएट कर रहे हैं, केमिकल वेपन्स क्रिएट कर रहे हैं, एंड दीज वेपन्स कुड बी ए डेंजर फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी। तो अमेरिका ने इराक पर हमला किया, लड़ाई चली लंबे वक्त तक, गल्फ वार जिसको बोला जाता है, ठीक है, और बहुत नुकसान हुआ इसमें। हालांकि फिर बाद में वो केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन बनाने वाली फैक्ट्रीज वहां पर डिस्कवर नहीं हो पाई, लेकिन सद्दाम हुसैन जो थे उनको पकड़ लिया गया, उन पर केस वेस चले, फिर अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई, फांसी हो गई, ठीक है, व्हाटएवर हैपेंड। लेकिन ये समस्याएं चलती रहती अलग अलग वक्तों पर। अब मैं बायोलॉजिकल वेपन का आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छा एग्जाम्पल देता हूं वो ये, एंथ्रेक्स बैक्टीरियम जो है, जिसे हम कहते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस, इस बैक्टीरिया की खास बात यह होती है कि यह स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, और यह स्पोर कब बनाता है? एयर के एक्सपोजर से। जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर में, हम लोग एंथ्रेक्स वाला पोर्शन पढ़ते हैं तो उसमें एक खास चीज पढ़ते हैं, आप लोगों ने उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस तो इसको डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा पोर्शन यहां डिस्कस करता हूं। एंथ्रेक्स एक हाईली एक्यूट और इंफेक्शियस डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट अमूमन नहीं हो पाता, और अगर बैसिलस का इंफेक्शन हो गया है तो कुछ घंटों में या कुछ दिनों में पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जिसकी भी डेथ एंथ्रेक्स की वजह से होती है कभी भी उसका पोस्टमार्टम कंडक्ट नहीं किया जाता। सुनिए ध्यान से, अब दिमाग में यह बात आएगी साहब पता कैसे चलेगा कि इसकी डेथ एंथ्रेक्स से हुई है, डेथ तो किसी भी वजह से हो सकती है। तो एंथ्रेक्स की डेथ का पता इस तरीके से चलता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है बैसिलस एंथ्रेसिस, ये बॉडी में जाके मल्टीप्लाई करता है और हेमरेज इंड्यूस करता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में एक्सटेंसिव डैमेज कॉज करता है। तो बॉडी के जो नेचुरल ओपनिंग्स हैं, जैसे नोज है, जैसे माउथ है, जैसे एनस है, ठीक है, जैसे यूरेथ्रल अपर्चर है, यहां से ब्लड निकलने लगता है डेथ के बाद, डार्क कलर का ब्लड बाहर निकलने लगता है। तो जैसे ही किसी कैरकस या जैसे ही किसी डेड बॉडी के नेचुरल ओपनिंग से ब्लड निकलता हुआ दिखाई दे तो हम ये मान के चलते हैं कि इसकी डेथ एंथ्रेक्स की वजह से हुई है, है ना, बैसिलस एंथ्रेसिस की वजह से। उस केस में पोस्टमार्टम कंडक्ट नहीं किया जाता। रीजन क्या है? जैसे ही बॉडी को ओपन किया जाएगा, कट ओपन किया जाएगा, उसके ब्लड स्ट्रीम में जितने भी एंथ्रेक्स होंगे वो स्पोर बना लेंगे एयर का एक्सपोजर मिलते ही, और एयर का एक्सपोजर मिलते ही जो स्पोर बनेंगे वो आसपास उस लोकेलिटी में जितने भी और लोग होंगे उन सबके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाएंगे और उनका इंफेक्शन कर देंगे, एंड देन आफ्टर दे ऑल्सो विल। तो एंथ्रेक्स बड़ा डेंजरस ऑर्गेनिज्म है। तो पहली बार जब ये बायो वेपन का किस्सा सामने आया फॉर द फर्स्ट टाइम तो उसमें क्या हुआ था, एंथ्रेक्स के स्पोर्स को लेटर्स में भेजा गया, ठीक है, जो लिफाफे होते हैं लिफाफों में पाउडर के फॉर्म में एंथ्रेक्स के स्पोर्स थे जिनको लिफाफों को पूरी तरीके से सील बंद करके, सील पैक करके कुछ स्पेसिफाइड लोकेशंस पर पोस्ट किया गया था। अब जो भी उसको ओपन करेगा ही इज गोइंग टू बी अफेक्टेड फ्रॉम बैसिलस एंथ्रेसिस स्पोर्स और एंथ्रेक्स स्पोर्स। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन थी जिस पर कि वर्कआउट किया गया।
Now, mass produced pathogens or their toxins are delivered either as powder, जैसा कि मैंने आपको बताया, or in the form of spray using a variety of delivery devices. Bioweapons are low cost weapons. They cause far more casualties than chemical or conventional weapons. भाई एक पिस्टल से या एक बंदूक से या एक तोप से, एक मिसाइल से एक लिमिटेड एरिया को अफेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई इंफेक्शियस डिजीज स्प्रेड हो गई तो वो तो पूरी पॉपुलेशन को खत्म कर देगी, है कि नहीं? तो ये बहुत 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 ज्यादा डेंजरस है. एंड बायो वेपन एजेंट्स आर इनविजिबल एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट. तो ये बायो वेपन क्या होते हैं, आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए. ठीक है, क्लियर है सबको? बायो वेपन का कंसेप्ट क्लियर है सारे बच्चों को? और भी कोई ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो अभी तक सबसे ज्यादा जिसका इस्तेमाल किया गया है या जो न्यूज में रहा है ऑर्गेनिज्म, दैट इज स्पोर्स ऑफ बैसिलस एंथ्रेसिस. बोलो बोलो बोलो, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो बेटा, जल्दी से रिप्लाई करो, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करो जल्दी से. शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड. और यहां तक कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे के टॉपिक पर जाता हूं. ये छोटे छोटे सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं. गुड, आगे चलते हैं. These features make bioweapon agents very convenient for use by terrorists and even governments, and both have used them on a limited scale. The possible defenses against bioweapons include their use of respirator, gas mask, vaccination, administration of appropriate antibiotic and decontamination. Sensitive detection system should be developed to control and minimize the damage. जैसे अब कोरोना है तो इसके बारे में भी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं कि साहब ये एक्चुअली चाइना ने इसको सिंथेसाइज किया है वायरस. ठीक है, ऐसी सारी की सारी खबरें या न्यूज वगैरह आपने पिछले एक साल में तमाम जगहों पर पढ़ी होगी कि और ये डेलिबरेटली इसका एक्सपोजर किया गया है ना. आगे चलते हैं, अब आते हैं भैया बायो एथिक्स पर. छोटे छोटे टर्म्स हैं, देखो आज इसको पूरा कर ही देंगे चैप्टर. एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स तो आपने सुना होगा ना, कॉमन जनरल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी. एथिक्स का मतलब होता है सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स. किसी गिवन कम्युनिटी में, किसी गिवन ग्रुप में, किसी गिवन ऑर्गेनाइजेशन में कौन से काम किए जाने चाहिए, कौन से नहीं किए जाने चाहिए, इनकी एक जो रूपरेखा है, इनका जो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है, उनको हम एथिक्स कहते हैं. ये कंट्री टू कंट्री वेरी भी करते. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं आपको कि हिंदुस्तान में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पर तो उसके एथिक्स क्या है, ट्रैफिक के एथिक्स क्या है कि आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड में चलाएंगे, रेड लाइट आएगी तो आप अपनी गाड़ी को रोकेंगे, अगर आपको रोड क्रॉस करना है तो आप ट्रैफिक के रुकने का इंतजार करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी नहीं चलाएंगे, ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एक लिमिटेड स्पीड से ऊपर गाड़ी नहीं चलाएंगे, ये सब आपके ट्रैफिक के एथिक्स हैं. जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं तो क्लासरूम के अपने एथिक्स होते हैं कि जब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उस वक्त आप बातचीत नहीं करेंगे, डिस्टरबेंस कॉज नहीं करेंगे, सिंसियरली पढ़ाई करेंगे पूरी की पूरी, ठीक है ना, और किसी भी तरीके से अपना टाइम उसमें वेस्ट नहीं करेंगे. ये क्लासरूम के एथिक्स हो गए. इसी तरीके से बायोलॉजी के फील्ड में जो एथिक्स होते हैं उनको हम कहते हैं बायो एथिक्स, एज सिंपल एज दैट. तो सबसे पहले तो ये समझ लो, एथिक्स includes सेट ऑफ standards by which a community regulates its behavior and decides as to which activity is legitimate and which is not. एक community ये decide करेगी कि यहां पर ये activity तो legitimate है, की जा सकती है, ये activity legitimate नहीं है, नहीं की जा सकती. ठीक है, therefore bioethics may be viewed as the set of standards that may be used to regulate or activities in relation to the biological world. Biological world में जो set of standards होंगे उनको bioethics कहेंगे. ठीक है,
अब सुनो, बायोएथिकल कंसर्न क्या है? ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कंटिन्यूअसली बहुत स्पीड से करते जा रहे हैं, इनके साथ में बहुत सारे एथिकल इश्यूज जुड़े हुए हैं। वो एथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं, एक बार के लिए उनको जानने की कोशिश करते हैं। एक बार भी पढ़ लेंगे तो तुरंत हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो देखो जरा ध्यान से, हैव अ लुक। यूज ऑफ एनिमल्स इन बायोटेक्नोलॉजी कॉज ग्रेट सफरिंग टू देम, ये सबसे पहला कंसर्न है कि किसी एनिमल पर आप बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इससे उनको बहुत सफरिंग होने वाली है। जैसे अभी हमने एक गोट प्रोड्यूस किया, ट्रांसजेनिक गोट, अब वो गोट सिल्क के थ्रेड सीक्रेट कर रहा है तो डेफिनेटली उसके मेमोरी ग्लैंड्स में डैमेज होगा, डेफिनेटली उसके टिश्यू में डैमेज होगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगे, किसी तरीके का डिजीज भी हो सकता है, किसी तरीके का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं, तमाम तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ये पहला एथिकल कंसर्न है कि बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कॉज ग्रेट सफरिंग टू द एनिमल्स। दूसरा, व्हेन एनिमल्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स दे आर वर्चुअली रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ फैक्ट्री। आपने किसी एनिमल का इस्तेमाल करना शुरू किया, बस ये चैप्टर खत्म हो जाता है, कल क्विज करेंगे, आज इसको कंक्लूड तो कर ले बेटा। आपने किसी एनिमल का यूज किया किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, तो बेसिकली आप उस एनिमल को एक मशीन की तरह, एक फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज अनदर बायोएथिकल कंसर्न। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ए ट्रांसजीन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज वायलेट्स द इंटेग्रिटी ऑफ स्पीसीज। इनफैक्ट मैं आपको यह बताऊं, स्पीसीज का डेफिनेशन क्या है भाई? ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स विच इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर ग्रुप्स, और उसका जीन पूल स्पेसिफिक होता है। हम होमो सेपियन सेपियन एक डिस्टिंक्ट स्पीसीज क्यों है? क्योंकि जो जीन पूल हमारा है वो जीन पूल किसी और स्पीसीज का नहीं है। अब हमने ये बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, इसमें हमने एक एनिमल का जीन दूसरे में डाल दिया, एक स्पीसीज का जीन दूसरे में डाल दिया, और न केवल ये बल्कि हम तो ये भी कर रहे हैं कि प्लांट का जीन एनिमल में डाल दिया, एनिमल का जीन प्लांट में डाल दिया, तो ये तो पूरा डिस्टर्बेंस हो रहा है। स्पीसीज का डेफिनेशन, स्पीसीज की इंटेग्रिटी ही वॉयलेट हो रही है इसमें। आ रही है कि नहीं बात समझ में? तो जितने लेवल पर ये एक्सपेरिमेंट्स चलते चले जाएंगे उतने ही स्पीसीज की जो एक इंटेग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, जीन पूल मेंटेन होना चाहिए, उसके लिए खतरा बढ़ता चला जाएगा। चौथा, ह्यूमन के जीन को किसी एनिमल में डाला, ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन जीन इन एनिमल, और वाइस वर्सा, एनिमल जीन इन ह्यूमन, इट वायलेट्स और डाइल्यूट द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमननेस। ठीक है, ये मतलब इन बातों का साइंस से कम लेना देना है, जनरल नॉलेज या हम कहें कि जो एक नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है उससे ज्यादा लेना देना। ह्यूमननेस का कंसेप्ट डिसॉल्व होता है, आपने ह्यूमन का जीन निकाल करके किसी गोट में डाल दिया या रेट में डाल दिया या किसी बैक्टीरिया में डाल दिया, आप इंसुलिन वाला जीन निकाल करके इकोलाई में डाल रहे हैं, ह्यूमन जीन आपने बैक्टीरिया में डाल दिया, इट डेफिनेटली वायलेट्स द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमननेस। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स आर एक्चुअली डिसरेस्पेक्टफुल टू द लिविंग बीइंग्स एंड ओनली एक्सप्लॉइट्स देम फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो हम कंडक्ट कर रहे हैं, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स का पर्पज क्या है? कि कोई ऐसी चीज बन जाए जिससे ह्यूमन रेस का बेनिफिट मिल जाए, ह्यूमन रेस को फायदा हो जाए, बाकी सारे स्पीसीज को कोई बेनिफिट हो चाहे ना हो, उनको नुकसान हो, उनकी इंटेग्रिटी डिसॉल्व हो जाए, कुछ भी होता रहे, तो ये बहुत ही सेल्फिश अप्रोच कही जाएगी। ठीक है ना? और दूसरी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये एक्सपेरिमेंट लगातार चलते रहे तो बायोडाइवर्सिटी ही खतरे में पड़ जाएगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज सर्वाइविंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरमेंट्स। अब हमने एक स्पीसीज का जीन दूसरे में डाला, दूसरे का तीसरे में डाला, तीसरे का चौथे में डाला, तो ये तो स्पीसीज धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएंगी सारी की सारी, ये तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से अनफोर्सीन रिस्क और अनफोर्सीन डेंजर्स हैं जिनके बारे में आज हमें पता नहीं है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअसली ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कंडक्ट करते रहे तो तमाम तरीके के खतरे यहां पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है,
समझ में आ गई बात सारे बच्चों को? सेशन को लाइक करो बेटा और शेयर कर दो जल्दी से। अब देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको इसमें, हमारे यहां एक कमेटी है जिसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी हिंदुस्तान में। तो कोई भी बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जब हमें कंडक्ट करना होता है तो हम रेंडमली ऐसा नहीं कि अपने घर पे बैठ के हमने दिमाग लगाया और कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। हमें किसी भी बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने से पहले, क्योंकि तमाम एथिकल कंसर्न्स उसमें है, और GEAC से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब तक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी उसको अप्रूव नहीं कर देती तब तक हम उस बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कम से कम ऑपरेट नहीं कर सकते। तो इसका नाम भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GEAC और इसका फंक्शन क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं। अब आ जाओ बायो पेटेंट पर। क्लोनिंग कर रहे हैं, ह्यूमन क्लोनिंग है जैसे, अब ह्यूमन क्लोनिंग पूरी दुनिया में बैन है, मैं पेटेंट पर बाद में आता हूं। उसके बैन होने का रीजन है, अगर मान लीजिए किसी ह्यूमन का क्लोन बनाया गया, उस क्लोन का सोशल स्टेटस क्या होगा भाई? हम तो क्लोन इसलिए बना रहे हैं कि फ्यूचर में कभी किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़े तो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दें, लेकिन इस वक्त उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसके पेरेंट्स कौन है, ठीक है, उसकी ग्रूमिंग कहां होगी, उसका एजुकेशन कौन देखेगा, उसका पर्पज क्या है, आ रही है कि नहीं बात समझ में? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने से पहले सोचने पड़ते हैं। ठीक है, सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। अब आते हैं बायो पेटेंट पर। पेटेंट का सीधा सा मतलब होता है बेटा कॉपीराइट, एज सिंपल एज दैट। कॉपीराइट का मतलब है जैसे मान लीजिए मैंने कोई इन्वेंशन किया या मैंने कोई किताब लिखी, मैंने कोई डिस्कवरी की, तो मैं जिस कंट्री से बिलोंग करता हूं उसकी गवर्नमेंट मुझे ये अथॉरिटी देती है कि भाई मुझसे पूछे बिना मेरे इन्वेंशन, मेरी राइटिंग्स या मेरी डिस्कवरी जो है उसका कोई इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं कर पाएगा या कमर्शियल यूज नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो कि मैंने बायोडीजल बनाने की टेक्निक खोजी दुनिया में सबसे पहले, अब बायोडीजल बनाने की टेक्निक मैंने खोज ली लेकिन मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है कि मैं कमर्शियली बायोडीजल बना सकूं, मैंने टेक्निक तो खोज ली, तो अब गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्ट करेगी, गवर्नमेंट मुझे पेटेंट प्रोवाइड करेगी कि भैया इसने ये टेक्निक खोज ली। अब अगर कोई कंपनी आती है तो वो कंपनी मुझसे पूछे बिना या मेरी अनुमति के बिना उस टेक्निक से बायोडीजल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी और उसको मार्केट नहीं कर पाएगी, उसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। तो ये जो राइट मुझे मिलता है, ये जो प्रोटेक्शन मुझे मिलता है, दैट इज नोन एज पेटेंट। और बायोलॉजी के फील्ड में जो पेटेंट दिए जाएंगे वो बायो पेटेंट कहलाते हैं। कॉपीराइट तो आप समझते ही हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक में, ऑथरशिप में, सब जगह चलता है। कोई भी किताब आप खोलेंगे, कोई भी बुक खोल लीजिए, उस बुक के शुरू में सबसे पहले एक सी लिखा होगा, उसके चारों तरफ सर्कल होगा, दैट इज कॉपीराइट। कि भैया जिसने भी ये लिखा है उसकी अनुमति के बिना आप इसका कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। टी सीरीज एक म्यूजिक कंपनी है, उसने एक रिकॉर्ड जारी किया तो आप उसको कॉपी करके सेल आउट नहीं कर सकते, कमर्शियल यूजेस, कमर्शियल बेनिफिट नहीं ले सकते, हालांकि इंटरनेट पर ये सब चीजें चलती रहती। तो एक बात तो हुई पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या हो गया? इट इज अ राइट ग्रांटेड बाई अ गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कमर्शियल यूज ऑफ द इन्वेंशन। अब कई चीजों के लिए दिए जा सकते हैं, इन्वेंशन के लिए, किसी पहले के इन्वेंशन को इम्प्रूव कर दिया हो, कोई प्रोसेस डेवलप कर ली हो, कोई कंसेप्ट या डिजाइन डेवलप कर लिया हो, इन सब चीजों के लिए पेटेंट दिए जाते हैं। ठीक है, नाउ बायो पेटेंट्स आर, अब बायोलॉजी के फील्ड में भी पेटेंट कई चीजों के लिए दिए जाते हैं। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रेन खोज लिया आपने, कोई सेल लाइन खोज लिया आपने, कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेन खोज लिया, डीएनए सीक्वेंस पता लगा लिया किसी का, है ना, कोई नई प्रोटीन आपने डिस्कवर कर ली, कोई बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर आपने खोज लिया, है ना, प्रोडक्शन की कोई नई टेक्निक डेवलप कर ली, कोई नया प्रोडक्ट बना लिया, उस प्रोडक्ट के यूजेस देख लिए, ये सारे के सारे पेटेंट कहलाएंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं सारी। और बायो पेटेंट के बाद आपको पता होना चाहिए बायो पायरेसी क्या होती है, अगर कोई इन पेटेंट्स का गलत इस्तेमाल करने लगे। जैसे आपने सुना होगा अमेरिका की बहुत सी कंपनीज है, अखबार में पढ़ते रहते होंगे आप इस तरीके की न्यूज। अब हमारे यहां तो एक सिस्टम चला है आयुर्वेदा, आयुर्वेद जो है हमारे यहाँ मतलब हजारों सालों से प्रैक्टिस की जा रही मेडिसिन
की एक वो मेथडोलॉजी जिसमें हम लोग जो जड़ी बूटियां हैं, पेड़ हैं, फल हैं, इन सबसे दवाएं बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और इलाज करते हैं। इसका एक पूरा साइंस है, इसका एक पूरा डेवलप डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं सारी की सारी। जैसे मान लो हल्दी है तो पेन किलर के तौर पर काम करती है, नीम है उसके अपने मेडिसिनल इफेक्ट हैं, अदरक है उसके अपने मेडिसिनल इफेक्ट हैं, हींग है उसके अपने मेडिसिनल इफेक्ट। अब हमारे यहाँ किसी ने इस पर ध्यान दिया नहीं कि कभी कोई पेटेंट करवाया जाए। अमेरिका की कुछ कंपनीज ने हल्दी है, नीम है, इन चीजों पर पेटेंट डेवलप कर लिए कि भाई इनका अब कमर्शियल यूज आप लोग नहीं कर पाए। इस पर फिर कोर्ट केसेस चले, लंबे वक्त तक इस पर लड़ाई चली, अब तो खैर वो चीजें खत्म हो गई। लेकिन बहुत सी कंपनीज ने इस बात की कोशिश की कि जो हम हजारों सालों से चीजों को जिनको प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी हम पेटेंट करवा लें और उनका एंड इस्तेमाल, उसका कोई भी इस्तेमाल अब यहाँ पर ना हो पाए। नाउ ऑल दीज थिंग्स हैव बीन मैनेज्ड, बट दीज थिंग्स कम्स अंडर बायो पायरेसी। ठीक है, तो ये पायरेसी की चीजें होंगी सारी की सारी। ठीक, आखिरी चीज आती है आपके बायो रिसोर्सेज। तो बायो रिसोर्सेज का मतलब हो गया जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनसे कमर्शियल बेनिफिट्स होते हो वो सारे बायो रिसोर्सेज। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज इज द नॉलेज डेवलप्ड बाय वेरियस कम्युनिटीज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द बायो रिसोर्सेज। जैसे कोई जड़ी बूटी है, कोई दवा है, कोई पेड़ है, ठीक है, कोई पत्तियां हैं, कोई फूल है, ठीक है, कोई फल है, उनके यूजेस क्या है, ये हजारों सालों से कम्युनिटी में प्रैक्टिस चलती आ रही होती है। ये सारे बायो रिसोर्सेज में आते हैं कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं, इनसे हम हमारा फायदा ले सकते हैं, हम हमारा बेनिफिट ले सकते हैं। ऑफन दिस ट्रेडिशनल नॉलेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न कमर्शियल प्रोसेसेस। द ट्रेडिशनल नॉलेज सजेस्ट द डायरेक्शन टू बी फॉलोड एंड सेव्स कंसीडरेबल टाइम, एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर फॉर देयर कमर्शियलाइजेशन। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हो गई इस चैप्टर से रिलेटेड। नाउ आई हैव ऑफिशियली कंक्लूडेड द चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये एक मेजर यूनिट था जो हम पूरा पढ़ चुके। नाउ आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स। इफ देयर इज अ डाउट और एनी काइंड ऑफ ट्रबल और प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट। आज हमारा 12वां सेशन था इस पर, 12वां या 13वां सेशन। इन 13 सेशंस में आपको अपने सारे जवाब मिल जाएंगे। जस्ट क्रिएट अ प्लेलिस्ट, वैसे तो प्लेलिस्ट बना हुआ भी मिल जाएगा आपको, अगर नहीं बना हुआ है तो आप इसको क्रिएट कीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा अच्छे से? कल मैं इस पर एक क्विज लूंगा और परसों से हम लोग एवोल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बट फर्स्ट यू रिस्पॉन्ड मी, सबसे पहले मुझे बताइए कि बायोटेक्नोलॉजी समझ में आ गया है या नहीं। वर्षा बनर्जी कह रही है बायो पायरेसी क्या है। बायो पायरेसी वही है, बायो पेटेंट किसी ने ले रखा है और किसी ने उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर लिया। जैसे मैंने बताया कि मैंने बायो डीजल का टेक्निक डेवलप किया और कोई मान लीजिए कि चाइना की कोई कंपनी है या इंग्लैंड की कोई कंपनी है, उसको वो फॉर्मूले मिल गए, उसको वो टेक्निक मिल गई और उसने कमर्शियल यूज स्टार्ट कर दिया उसका और पूरी दुनिया के अंदर बायो डीजल बेचना शुरू कर दिया। कमर्शियल बेनिफिट सारे उनको हो रहे हैं, मुझे उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा। दैट इज बायो पायरेसी। सिंपल, क्लियर है ना भाई सबको? कोई परेशानी तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। कल क्विज होने वाली है, ठीक है, और आज रात को 9 बजे मैं एक छोटा सा सेशन लेने वाला हूं क्योंकि ये पेंडेमिक जो अभी चल रहा है, देखो ये तो बात जान ही लो, डेली 2 बजे आपकी क्लास होती है, स्पेशल क्लास वाया अनअकैडमी लर्निंग ऐप, एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज चल रही है। इस टाइम को अपने दिमाग में फिक्स कर लो, डेली पढ़ाता हूं। और दूसरा ये कि आज रात को 9 बजे एक सेशन लेने वाला हूँ आप लोगों का। कोरोना का ये जो सेकंड वेव अभी आया है, इस सेकंड वेव में क्या क्या चीजें अलग है फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में, तो इसका एक छोटा सा एक मतलब इंट्रोडक्टरी या हम कहें कि इंफॉर्मेटिव सेशन टाइप का होगा। आप अगर इसको देखेंगे और बाकी लोगों को भी दिखाएंगे तो यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट। ठीक है, अभी जिस तरीके की कंडीशंस चल रही है पूरे हमारे कंट्री में, देश में, तो उसमें काफी सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे कि ये सेकंड वेव बेसिकली क्या है, किस तरीके से डेवलप हुआ है, क्या क्या चीजें इसमें और होंगी। तो रात को 9 बजे का टाइम भी याद रखिए, इसी चैनल पर मैं मिलूंगा आपसे। अभी हमारा आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं, कल सारे के सारे बच्चे पढ़ के आएंगे भाई। कल मैं इसका क्विज करने वाला हूँ शाम को, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स का क्विज होगा यहाँ पे, तो सारे बच्चे पढ़ के आएंगे और क्विज को सिंसियरली अटेंड करेंगे, है ना। और प्लस सब्सक्राइब कर लो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, और प्लस सब्सक्राइब करते वक्त ये याद रखो, यूज दिस कोड बी दे वाइल सब्सक्राइबिंग प्लस। सो दैट इज ऑल
फॉर टुडे। 9 बजे मुलाकात होगी, याद रखिएगा 9 बजे सारे बच्चों को आ जाना है, और सुबह 7 बजे तो मिलेंगे। चलिए टाटा बाय बाय।